मामा का भी गणेश जी से पंगा हो गया था। रात का समय था, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों पर चांदी बिखरी हुई थी। चलो जल्दी चलो, मूर्ख मूषक गिरा क्यों दिया? मैं क्या करूं? ये सर्प अचानक मार्ग में आ गया। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं जरा जल्दी में था। मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। अच्छा, अब तू ही इनको संभाल के रख। अब कहाँ भागेगा? प्रभु प्रभु, जरा संभाल करवा दिए, लगती है। मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। मेरा मजाक उड़ाता है दुष्ट चंद्रमा, जा, तेरे चेहरे की चमक जिस पर तू इतना गर्व करता है नष्ट हो जाएगी। प्रभु, तू अपनी चांदनी नहीं बिखेर सकेगा, जो भी तुझे देखेगा उसे भी कलंक लग जाएगा। नहीं, नहीं। क्षमा करें प्रभु, मैंने दुर्भावना से कुछ नहीं कहा, मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें, ये काला मुंह लेकर मैं कैसे जीऊंगा? आपका हृदय विशाल है, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मेरी चमक मुझे वापस लौटा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। उठो चंद्र, आप स्वयं देवता हैं। किसी की शारीरिक कमजोरियों पर मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभु, चांद की चांदनी नहीं रहेगी तो रात्रि का क्या आनंद। क्षमा प्रभु। चंद्रदेव, मैं आपको दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, परंतु ये वरदान देता हूँ कि आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस लौट आएगी। सृष्टि के लोग आपकी चांदनी से वंचित नहीं होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हर महादेव। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। माता पार्वती और बालक गणेश को भी शत शत प्रणाम। भगवान, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूं। कैसा निमंत्रण? मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने आया है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए असंभव है। और पतिदेव के बिना मेरा आना भी संभव नहीं होगा। तो क्या स्वयं भगवान के घर से मुझे निराश लौटना पड़ेगा? नहीं महाराज, आप जब इतने प्रेम से निमंत्रण लेकर आए हैं तो आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है। आप बालक गणेश को ले जाएं। इसे स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिए श्री गणेश। आज्ञा पिताश्री। अंदर चलिए गणेश। चलिए श्री गणेश।
लाओ। अब कहां से लाऊं? पूरे शहर का भोजन तो चट कर दिया आपने। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरी भूख शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन लाओ वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। भाग गया, अब मैं क्या खाऊं? दुहाई हो प्रभु, दुहाई हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ महाराज कुबेर, इतना घबराए हुए क्यों हैं आप? प्रभु, आपसे क्या छिपा है? आपके पुत्र गणेश की भूख शांत नहीं हो रही है, वो मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो धन और ऐश्वर्य के मालिक हैं, एक बच्चे को पेट भर भोजन नहीं खिला सकते। मुझे क्षमा करें देव, मैं अभिमानवश आपको निमंत्रण देने आया था, परंतु श्री गणेश जी ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। चलिए अच्छा हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया। धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जो हमेशा झुका रहता है। प्रभु, मैं एक कटोरी भात लाया हूँ, इसे भी ग्रहण करें। इतने से भात से मेरा क्या होगा, पर लाओ। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट भात था, मेरा पेट भर गया। धन्य हो प्रभु, शायद मैं अतिथि सत्कार अच्छी तरह नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मुझे खाने पर बुला लेना। नहीं, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मजा आ गया। जियो नंदी महाराज,
बस ऐसे ही झुलाते रहो, बहुत आनंद आ रहा है। काश मेरा मूषक यहाँ होता। मैं तो यहाँ हूँ। जैसे वो मुझे अपनी पीठ पर घुमाता है, वैसे ही मैं उसको इस झूले पर झुलाता। क्या बात है। प्रभु, मैं यहाँ नीचे हूँ और मुझे मालूम है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बालक गणेश। हाँ नंदी। लगता है कहीं से मूषक की आवाज आ रही है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है वो। मूषक, अरे कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं दे रहे। बाल गणेश आपको बुला रहे हैं। मैं कोई पंछी हूँ जो सब मुझे ऊपर ढूंढ रहे हैं? अरे चूहे महाराज, आपने कहीं हमारे मूषक राज को तो नहीं देखा? कुछ कुछ आप जैसे ही दिखते हैं। अरे ये तो अपना मूषक ही है। नंदी, उसे ऊपर आने दो। हाँ हाँ। मूषक ऊपर आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ। चलो, आखिर आपने मुझे देख लिया गणेश जी। यहाँ ऊपर आ जाओ। अरे नंदी, जरा धीरे। मूषक जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ। देखो कितना मजा आ रहा है। मोटे, कोई बात नहीं, सब लोग खुश हो लो, तुम सबको देख लूंगा मैं। प्रभु। हाँ मूषक। आज सुबह से इतने लोगों के होते हुए मैं ही बुद्धू बनाने को मिला था। मैं जा रहा हूँ, जब आपको सवारी करने का मन करे तो बुला लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको मेरी सवारी का आनंद किसी भी झूले की सवारी से ज्यादा आएगा। ओहो, बुरा मान गया। किसी को मेरी परवाह नहीं, जब देखो मजाक उड़ाते हैं। अरे मूषक रुको। तुम तो नाराज हो गए। कभी कभी हंसी मजाक करना चाहिए, इससे दिन अच्छा बीतता है। तुम्हारी सवारी और माँ के हाथों के बने मोदक से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है। मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। अब इसे क्या हो गया? मूषक, क्या हुआ? वो वहाँ। अरे मूषक, इतने डरे हुए क्यों हो? प्रभु वहाँ। अरे मूषक क्या हुआ? अभी तो बड़ा मुंह फुला कर गया था, वहाँ बड़ी जल्दी वापस आ गया, वो भी चिल्लाते हुए। प्रभु, आज कल लगता है दिन ही खराब है। पहले आप सब लेना चाहा, आराम करने उधर गया तो एक बिल्ली ने भगाया। प्रभु, उधर एक बहुत बड़ी बिल्ली है। बिल्ली से डर गया? चलो मैं देखता हूँ किस बिल्ली ने मेरे प्यारे मूषक को डराने की हिम्मत की है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाइए। मूषक बिल्ली से डर गया? मूषक बिल्ली। क्या कर रहे हो मूषक राज? बालक गणेश, आप अपने इस मूषक और उसको डराने वाली बिल्ली को संभालिए। भोलेनाथ शिव शंकर का समाधि से उठने का वक्त हो गया है, मुझे उनको कैलाश की सवारी कराने ले जाना है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है नंदी, तुम जाओ। देखते हैं कौन सी बिल्ली है जिसने मेरे मूषक को डराया है। मूषक, कहाँ है वो बिल्ली? सब लोग उस बिल्ली को ढूंढो। कहाँ गई वो बिल्ली? कहाँ है? कहाँ गई? मुझे नहीं, बिल्ली को ढूंढना है। कहाँ गई? वो रही, पकड़ो से।
सब लोग। तो तुम हो वो बिल्ली जो मेरे प्यारे मूषक को डरा रही थी। रुक पकड़ी गई। अभी तुझे ठीक करता हूँ। वैसे भी आज मेरा मन खेलने को कर रहा है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही खेला जाए। ओहो, मुझे देखकर भोली बन रही हो। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने मेरे प्यारे मूषक को डराया, अब मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। मूषक अभी तो मुझे इसके साथ और खेलना है। म्याओ म्याओ क्या कर रही है? अब तक तो गए काम से। अच्छा क्या बोली? अच्छा अच्छा अरे मूषक, ये बिल्ली कह रही है कि उसको नहाना है। नहलाओ नहलाओ। क्यों ना इसकी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। पूरी करो पूरी करो। उसे सबक सिखाओ। याद रहे, अब से किसी चूहे को डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आजा आजा आजा, मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। आजा। अब जो तुमने सबक सीख लिया है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। क्या हुआ, थक गई हो क्या? बस इतना ही खेलोगी? अगर दोबारा तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अगली बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से और किसी चूहे को मत डराना। चली गई। सबक सिखाते सिखाते तो मुझे भूख लग गई है। चलो मूषक,
चलकर माँ के हाथों से बने मोदक खाते हैं। मोदक मोदक। मजेदार बात मोदक खाते खाते बतानी है। माँ, आपका ये हाल किसने किया है? मुझे उसका नाम बताइए, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो। तुमने? मैंने? हैं? आपने? हाँ, तुमने। माँ, आप क्या कह रही है? हाँ। माँ, मैं तो आपको कभी सपने में भी दुख पहुँचाने की नहीं सोच सकता। बेटा। हाँ माँ। आज जो तुम लोगों ने एक बिल्ली को सताया, वो बिल्ली मैं ही थी। आप? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और माँ, मैं बिल्ली को सता नहीं रहा था, उसने मूषक को डराया इसलिए उसे सबक सिखा रहा था। जी हाँ। तुम तो चुप ही रहो। चुप चुप। मुझे मालूम है कौन कौन लोग ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन माँ, गणेश, इस धरती पर जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी हैं, वो सभी भगवान के बनाए हुए हैं, और मैं किसी न किसी रूप में हर असहाय जीव में समाई हूँ। अगर तुम किसी भी असहाय जीव को कष्ट पहुँचाते हो तो वो दुख मुझे होता है। आज तुमने एक बेचारी, अकेली, कमजोर बिल्ली के साथ जो कुछ भी किया, वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आज तुमने अपनी माँ को बहुत कष्ट दिया है बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मेरा सबक सिखाने का तरीका गलत था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनजाने में मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया। आप सही कहती हैं, अपनी खुशी के लिए किसी और को तंग करना गलत है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद किसी और कमजोर को तंग नहीं करूँगा, बल्कि उसकी मदद करूँगा। हाँ, मैं भी। बेटा, मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और अब तो मेरा प्यारा बेटा बेसहारा जीवों को सहारा देगा। लेकिन ये सब भूखे पेट कैसे होगा? चलो चलो, पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मोदक बनाए हैं, खाओगे नहीं? मोदक के लिए हमने कभी ना कहा है। ये देखो, ये सब तुम्हारे लिए। माँ, आप कितनी अच्छी हो माँ।